अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। फेमिदा स्टाइल में आपका वेलकम। सिस्टर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आज़ादी का दिन नज़दीक नज़दीक है, और आप जानते हैं कि कितने जोश व खरोश से सब लोग इस दिन की तैयारी करते हैं। जी हाँ, हमारा इंडिपेंडेंट दिन आ रहा है 14 अगस्त, और आप सब ने भी यकीनन अपने बच्चों के लिए इसके ड्रेसेस बनाए होंगे। आजकल आप बड़े अरसे से चल रहा है कि बच्चों के तो ड्रेसेस बनाए ही जाते थे, लेकिन अब बड़े लोग भी, बड़ी बच्चियां भी अपनी ड्रेसिंग बनाती हैं, टॉप्स बनाती हैं, दुपट्टा लेती हैं। कोई वाइट सूट पे ग्रीन दुपट्टा ले लेता है, तो कोई ग्रीन सूट पे वाइट दुपट्टा ले लेता है, कोई वाइट टॉप बना के उस पर ग्रीन चांद सितारा बना लेता है, तो कोई अपने ही किसी स्टाइल में वाइट सूट पर स्कार्फ को ही ग्रीन या प्यारा सा जिसपे डिज़ाइन बना हो, फ्लावर्स बने हो, फ्लैग्स बने हो छोटे छोटे से, और बहुत सारा उस पर कोई ऐसा ही डिज़ाइन होता है जो ग्रीन के कॉम्बिनेशन से हो, तो सब बनाना पसंद करती हैं। तो आजकल सबको ही ज़रूरत होती है कि देखें हम नए स्टाइल में, नए तरीके से अपनी, किसी ने शर्ट बनानी है, किसी ने ट्राउज़र बनाना है, तो ये सब वीडियो देख के आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे, डिज़ाइन मिल जाएंगे, आप उनको फॉलो कर सकती हैं, आप बना सकते हैं। तो चलिए आप देखते जाएं, और अगर कोई मेरे नए देखने वाले आज मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, और फिर मेरे चैनल को विज़िट भी करें, उन्हें साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, फिर उनको मेरी वीडियो जो है बर वक्त मिल सकेगी, और उनको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने ये सब्सक्राइब करके चैनल अच्छा ही काम किया है। तो व्यूअर्स, आप ये देखें सारे स्टाइल, आप बाज़ार में भी ये प्रिंट भी ऐसा कपड़ा मिल रहा है, और आप खुद भी ये डिज़ाइन कर सकते हैं। ग्रीन शर्ट बना के आप उसके ऊपर वाइट जो है चांद सितारा खुद बना सकते हैं, आप एम्ब्रॉयडरी में बना सकते हैं, आप एप्लिक में बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप खुद बनाएं तो और भी मज़ा है, आप फ्लैग बना सकते हैं, आप दुपट्टे के ऊपर फ्लैग बना सकती हैं, आप स्प्रे कर सकती हैं स्टेंसल्स एक काट के, आप फ्लैग का उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर किसी को शौक़ है तो ये मैं आइडियाज़ उनके लिए दे रही हूँ, अगर ख़ुद बनाने का शौक़ है तो आप ज़रूर ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप ख़ुद कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाज़ार से भी ये प्रिंट में कपड़ा मिल रहा है। आपको शौक़ है बच्चों के बनाने का तो आप बना सकते हैं बाज़ार से, चूँकि बड़ा कॉस्टली वो मिलता है, लॉन पे भी है, कॉटन पे भी है, काफ़ी सारे फैब्रिक्स पे है। अगर आप फैंसी बनाना चाहें तो ये स्टाइल भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। कलर कॉम्बिनेशन आप ये वाइट और ग्रीन का ही रख लें। अब ये देखें आप, फरीदी भाई कितना प्यारे अपने बच्चों को लेकर बैठे हुए, और कितना अच्छा ये खूबसूरत सा सीन लग रहा है। तो आप भी ऐसा चाहें तो बच्चियों जैसा बना सकते हैं, छोटी बच्चियों जैसा बना सकते हैं, बस बात यह है कि सबने कलर ये पहनना है। आप शेफून में टॉप बना सकते हैं, आप अपनी मैचिंग सारी ये कर सकते हैं। तो आपको जल्दी इसका ट्यूटोरियल भी मिलेगा, मैं आपको ये एप्लीक करना बताऊंगी, और फिर आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर इन्जॉय भी आप करेंगे। सिस्टर, डिज़ाइन अगर आपको वाकई डिज़ाइन चाहिए तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे से आप अपनी बच्चियों के बड़े प्यारे प्यारे से स्टाइल ये बना सकते हैं। ग्रीन टाइट्स के साथ ये वाइट टॉप बना के आप उसमें बेल्ट लगा सकते हैं, बेल्ट के ऊपर आप चांद सितारा बना सकते हैं, चांद सितारे को आप बेल्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चियों के लिए आप हेयर बैंड, हेयर कैच, बहुत सारी चीज़ें जिनमें आप ये ग्रीन कलर दे सकते हैं। तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिए आज़ादी की तैयारी में, इस तरह अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए, खुद भी इन्वॉल्व हो जाएं, और
इस तैयारी में पार्टिसिपेट कीजिए। अपना ड्रेस बनाना है तो आप भी बनाइए, वाइट सलवार वाइट ट्राउज़र तो सबके पास ही होता है, आपने ग्रीन शर्ट बनानी है या दुपट्टा ग्रीन बनाना है, कुछ भी ऐसा बना लें लगे कि आपने भी पार्टिसिपेट किया है। ड्रेस तो बनाते ही रहते हैं और बनते ही रहते हैं, तो चलें क्यों ना हम इस कलर में बनाएं ताकि हम अच्छे तरीके से यह अपना दिन मना भी सकें। बहुत सारी बात की चीज़ों के साथ साथ अगर हम ड्रेसिंग भी अपनी अच्छी सी बना लेंगे तो अच्छा भी लगेगा। और फिर आपने इस दिन अपनी सारी रंजिशों को भुला के, सारी अपनी नाराज़गियाँ भुला के एक दूसरे से आपने मिलना मिलाना करना है, फ़ोन पे बातचीत करें सबके साथ, आपको अच्छा लगेगा। प्यार मोहब्बत अपनी पुरानी देखें कि हमें ये मुल्क किस तरह मिला था। हमारी दादी हमें ये बताया करती हैं तो हम उनसे सुना करते थे, आप भी अपने बड़ों से सुने। और वीडियो को एंजॉय कीजिए, साथ में ड्रेसिंग तैयार कीजिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमेशा की तरह मैं आपके लिए दुआ करूँगी, आप मेरे लिए दुआ कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।